स्टार सलमान खान देने वाले हैं अपने फैंस को बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। कैटरीना कैफ के लिए भी है ये गुड न्यूज, क्योंकि सुपरस्टार सलमान वो शख्सियत है कैटरीना की जिंदगी में, जिन्होंने हमेशा कैटरीना की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव में उनकी मदद की है। और इस बात को कैटरीना ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि सलमान खान ने हमेशा ही उन्हें संभाला है जब भी वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ी है, तो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, फिल्मी करियर हो। ऐसे में सलमान खान की जिंदगी बहुत ही ज्यादा रंगीन है और कैटरीना की जिंदगी में सलमान की अलग ही पहचान है। तो आज हम आपको बता दें कि सलमान खान ने कैटरीना को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सलमान खान और भी ज्यादा आगे निकल रहे हैं। ईद से पहले उन्होंने दे दी है खुशखबरी कि अगले साल ईद में सलमान फिर नजर आएंगे धमाल करते हुए। और सलमान खान इस बार कैटरीना कैफ के साथ तो होंगे या नहीं, लेकिन वो फिल्म राधे में नजर आएंगे। जी हां, कमाल आर खान के ट्वीट के मुताबिक सलमान खान प्रभुदेवा के साथ ईद में नजर आएंगे, ये तो खबर मिल चुकी है। सलमान की फिल्म राधे को लेकर बात हो रही है। इससे पहले 20 दिसंबर की तारीख को दबंग 3 रिलीज हो रही है, तो वहीं ईद को लेकर सलमान बहुत जल्द शूटिंग कम्प्लीट करने वाले हैं। यही मौका है राधे के लिए, जिसकी वजह से इंशाल्लाह फिल्म को सलमान खान ने ना कर दिया। संजय लीला भंसाली के साथ काम करने को लेकर उन्होंने मना कर दिया। सोनाक्षी के साथ दबंग 3 में काम करने के बाद सलमान एक बार फिर से अपनी नई हीरोइन के साथ ईद पर धमाल करने के लिए तैयार। बताते चले आपको किक 2 को लेकर भी खबर है, और इस बार किक 2 में कैटरीना कैफ को लेकर होने की भी संभावनाएं बढ़ गई है। ऐसे में कैटरीना के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज कुछ नहीं कि सलमान और भी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।